अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख रहे हैं और रे और वेव ऑप्टिक्स दोनों देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ह्यूमन बॉडी रेडिएट जो है वो इन्फ्रारेड रेज करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है, जो आपको मतलब रटने वाली चीज़ें हैं यूजेज और ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है। एनर्जी फॉर्मूला एच इंटू न्यू और मोमेंटम पी इज एच बाई लेमडा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी है तो मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। ई नॉट इज बी नॉट इंटू सी, ई नॉट की वैल्यू इज 30, बी नॉट फाइंड करना है, सी की वैल्यू है 3 × 10⁸। सॉल्व करने पे आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस मच, द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, तो ट्रू। तो ध्यान क्या रखना है, वापस यही ध्यान रखना है कि ये बी नॉट है, ये ई नॉट है, बी नॉट इंटू सी शुड बी इक्वल टू ई नॉट, ये ध्यान रखना आपको। दूसरा सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी नॉट है और ये ई नॉट है, ठीक है। तो बी नॉट इंटू सी शुड बी इक्वल टू ई नॉट। दूसरा यहाँ पे ये चेक करना है, ये और ये सेम है कि नहीं, और ये और ये सेम है कि नहीं, ठीक है। दिस इज के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है, तो ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं आप देख सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, वी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये रिमेंबर एंड रिकॉलिंग स्पेसिफिक फैक्ट, तो ये याद रखने वाला है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स की तरफ चलते हैं, मतलब समझाने लायक नहीं है, रटने लायक है, तो आप लोग जो है उसको रट सकते हो घर बैठ के। रे ऑप्टिक्स, एंड इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज कट इनटू टू पार्ट्स, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो यहाँ पे पहले याद करवा देता हूँ आपको कि जब इसके हम दो टुकड़े करते हैं तो फोकल लेंथ डबल हो जाता है, तो 15 का डबल होता है 30, तो आंसर ये होगा। कैसे होता है तो यहाँ बताया मैंने, इनिशियली जब उसको काटा नहीं है इस प्रकार से पूरा लेंस है मान लो, ठीक है, तब क्या होता है, 1/f इज़ म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, इसका रेडियस जो है वो r है और इसका रेडियस भी r है, एक हम पॉजिटिव लेंगे और एक हम नेगेटिव लेंगे, तो इस तरीके से इसको हमने पॉजिटिव लिया, इसको हमने नेगेटिव लिया, तो हमारे को ये फोकल लेंथ मिलेगा इनिशियली। कट करने के बाद क्या हो जाएगा, सिस्टम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसका फोकल लेंथ सपोज एफ डैश है, तो 1/f इज म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, इसका रेडियस हमारा r है और इसका रेडियस इज इनफाइनाइट, तो ये हो गया म्यू माइनस 1/r। म्यू माइनस 1/r की वैल्यू हो जाएगी 1/2f, तो यहाँ से एफ डैश हो जाएगा 2 times f, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंज इफ रेड लाइट इज यूज इंस्टेड ऑफ वायलेट। देखो फोकल लेंथ जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा, तो यहाँ पे फोकल लेंथ इज इंक्रीज व्हेन रेड लाइट इज यूज्ड, ठीक है। फिर अ ग्लास इज इमर्स्ड इन वाटर, व्हाट विल बी द पावर ऑफ लेंस। बच्चों ध्यान रखना, कभी किसी लेंस को अगर हम पानी में डालते, सिर्फ पानी की बात कर रहा हूँ, तो फोकल लेंथ हो जाती है 4 times, ठीक है। अगर पहले फोकल लेंथ 10 तो हो जाएगी 40, तो फोकल लेंथ अगर बढ़ती है तो पावर बट ऑफ कम होगा, तो डिक्रीजेज इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी पोलराइज्ड, कौन सी लाइट पोलराइज नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसवर्स वेव्स जो होती है वो पोलराइज्ड हो सकती है, तो एक्स रेज, रेडियो, गामा, माइक्रो, जो भी है सब ट्रांसवर्स वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये पोलराइज हो सकती है, और साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो ये पोलराइज नहीं हो सकती, तो दिस इज आवर आंसर। द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 45 degrees। द परसेंटेज ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द एनालाइजर इज डैश विद रिस्पेक्ट टू द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द पोलराइजर। सपोज ये पोलराइजर है, ये एनालाइजर है, ठीक है, इस प्रकार से इसकी एक्सेस है और इसकी एक्सेस इस तरीके से है। ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी आई है तो यहाँ पे उसकी आधी हो जाती है, ठीक है, ये तो पहले आप रट लो। और यहाँ पे जितनी होती है
उसमें कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दो, फिर थीटा इज इन दोनों के बीच का एंगल विच इज 45 गिवन, तो आंसर हो जाएगा दिस इज आई बाई टू कॉस स्क्वायर 45, दैट इज 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो हो जाएगा I/4। तो पहले इंटेंसिटी आई थी तो अब कितनी हो गई I/4, मतलब 25% जो है हो गई है, आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट एन अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डैश। देखो हमें पहले तो ये पता है कि जो पोलराइजिंग एंगल होता है, ठीक है, म्यू इज टेन ऑफ पोलराइजिंग एंगल, ठीक है, आई पी लिखता हूँ, थीटा पी कुछ भी लिख सकते हो, म्यू √3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे √3 इज टेन ऑफ आई पी, तो आई पी की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री। ये तो हुआ पोलराइजिंग एंगल। हमें पूछा है रिफ्रैक्शन का एंगल, हमें पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 मिल जाएगा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स जो है इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, पर जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे एक और चीज़ देख लो कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करती है, तो इंटेंसिटी ऑफ ये रेलेस क्राइटेरिया, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा का पावर 4। ठीक है, फिर ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, एन एयर बबल इनसाइड अ ग्लास स्लैब अपीयर्स 6 सेंटीमीटर व्हेन व्यूड फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज डैश। पहली बात तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अगर आपके पास एक ग्लास स्लैब है और इसकी थिकनेस है टी, तो आपको बोला है कि एयर बबल जो है वो 6 सेंटीमीटर पे नज़र आता है फ्रॉम द अपोजिट साइड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देख रहे हो किसी चीज़ को, तो एयर बबल जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है, यहाँ पे एयर बबल नज़र आ रहा है, एक्चुअली एयर बबल हो सकता है यहाँ पर हो, पर वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, थिकनेस पूछी है, म्यू आपको गिवन है, तो आप लोग को जो है थिकनेस पूछी है, मतलब आपको रियल डेप्थ पूछा है, अपेरेंट डेप्थ आपको पता है, तो रियल डेप्थ जो होगी वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, दैट इज 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 10 दिया, तो इसलिए आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, आप देख सकते हो ये वही है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन प्लस रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, या रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में एंगल कितना होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इन वाई डी एस सी द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज दिस मच, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है, वेवलेंथ लैम्बडा गिवन है, और स्क्रीन कैपिटल डी जो है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस पूछा है, मतलब बीटा पूछा है, लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, वैल्यूज रखो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट काफ़ी देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा टिक नहीं किया मैंने इसमें, इन वाई डी एस सी द फ्रिंज पैटर्न इज सीन ऑन द स्क्रीन इज हाइपरबोला। आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीन पे इस प्रकार के पैटर्न्स जो है वो हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एंगुलर विड्थ व्हेन द स्क्रीन इज मूव्ड नियर द स्लिट्स। स्क्रीन को अगर स्लिट्स के पास ले जाओगे, मतलब डी की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, आप कैपिटल डी की वैल्यू, और जो एंगुलर विड्थ होती है दैट इज लैम्बडा बाय स्मॉल डी, तो वो कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करेगी, तो आंसर जो है वो रिमेंस अनचेंज होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है ये इतने क्वेश्चंस हम लोग ने रे वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे किए हैं, अब हम लोग जो है बाकी जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं।